सो गाइस बोट सर्विस कभी यूज़ मत करिएगा, इससे आपका इंस्टाग्राम अकाउंट पर इम्पैक्ट पड़ेगा बिकॉज Instagram algorithm doesn't like bot services or third party services. So bot जितना भी YouTube में बताया जाता है कि bot service यूज करो इतने में इतने followers मिलेंगे, उस followers का गेम करके guys कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि अगर आप वो followers ले भी लेंगे तो वो किसी काम के ही नहीं है. That's why इसीलिए क्या होता है, अगर आपके genuine followers होंगे and you make them a true fans, then तभी वो आपसे purchase करना सही समझेंगे. कि क्यों कई इंस्टाग्राम अकाउंट मैंने ऐसे भी देखे जो कि बिजनेस निश से हैं, हज़ार फॉलोवर्स में भी, यानी कि 1000 फॉलोवर्स में भी वो लोग दे आर मेकिंग $500 to $800 एवरी मंथ. व्हाई? बिकॉज देयर ऑडियंस क्वालिटी इज़ वेरी गुड. उनकी जो ऑडियंस क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी होती है, स्पेशली टायर वन कंट्रीज की होती है, लाइक US, कैनेडा, UK, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड. सो इस वजह से होने के नाते क्या होता है कि दे कैन बाय और दे कैन सेल देयर सर्विसेज लाइक ई बुक, एनी कोर्स और एनी सर्विसेज. सो इस तरह से उन्हें बेनिफिट मिल जाता है. इसलिए गाइस अगर आप फॉलोअर्स परचेज ना करने के बजाय अगर आप वाकई में सीरियसली अपना इंस्टाग्राम अकाउंट को ग्रो करना चाहते हो, देन यू शुड गो फॉर बिग शॉट आउट. इंस्टाग्राम भी चाहता है कि उस पर लोग ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बिताएं. अब वो कब होगा? जब आपकी ऑडियंस क्वालिटी अच्छी होगी और कंटेंट स्ट्रॉन्ग होगी. अगर कंटेंट स्ट्रॉन्ग है लेकिन ऑडियंस नहीं है ढंग की, या फिर आप कंटेंट भी आपके ढंग के नहीं है और आप शॉर्ट आउट परचेज कर रहे हो, दैट विल नॉट वर्क. दैट विल बी कम्प्लीटली वेस्ट ऑफ मनी एंड टाइम. काइंडली रिमेंबर, मार्क माई वर्ड्स, दैट विल बी कम्प्लीटली वेस्टेज ऑफ टाइम एंड मनी. मैंने ये आजमा के कर लिया, इसलिए अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं आपको बताना चाहूँगा. ये मैं आपको बताना चाहूँगा, कई आपको DM आते होंगे इंस्टाग्राम में कि आप फॉलोअर बाय कर लीजिए, इतने में आपको इतना मिलेगा. सो अगेन वो अपना धंधा चला रहे हैं, अपना कंपनी चलाने की कोशिश कर रहे हैं, एंड इससे आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा. दे विल मेक मनी बट यू विल नॉट मेक मनी. वाई? बिकॉज इंस्टाग्राम आपको तभी अच्छी रीच देगा जब आप शॉर्ट आउट लेंगे, या फिर कंटेंट आपका स्ट्रॉन्ग हुआ, या फिर यस एंगेजमेंट ग्रुप आप अच्छा यूज़ करेंगे. एंगेजमेंट ग्रुप के लिए अगर आप चाहते हैं कोई अच्छा एंगेजमेंट ग्रुप करें, पेड एंगेजमेंट ग्रुप, एंड यू वांट टू हैव अ बेटर रिजल्ट, तो उसके लिए आप मुझे कमेंट में मेंशन कर सकते हैं. मैं आपको अच्छी सर्विसेज बता सकता हूँ, रिकमेंड कर सकता हूँ. एंड एंगेजमेंट ग्रुप इज़ प्रीटी कूल. यू कैन अवेल दो सर्विस एंड यू कैन गेट मैक्सिमम रीच. क्योंकि उस वो लोग क्या होता है, वो आपको हैशटैग भी देते हैं, हैशटैग टूल, जिससे कि क्या होता है कि आप जिस टॉपिक पे आप पोस्ट कर रहे हो या वीडियो दे रहे हो उससे रिलेटेड आपको वो हैशटैग देंगे. रिलेटेड हैशटैग ही दीजिएगा. देखिए अगर आप 25 या 30 अननेसेसरी हैशटैग डालेंगे और इससे बड़े आप 5 ढंग के रिलेटेड अपने टॉपिक से रिलेटेड आप हैशटैग डालिए जिसमें कम लोग हों. ओके? यानी कि उस हैशटैग में कम होने चाहिए अगर आपका ग्रोइंग अकाउंट है. राइट? जैसे कि 50K 100K अगर आपका ग्रोइंग अकाउंट है, इस ऑडियंस से रिलेटेड आप हैशटैग ढूंढिए, जैसे कि पैसिव इनकम, तो आप उसे टारगेट कर सकते हो. बाकी में अगर आप अपने फॉलोअर्स गेन करना चाहते हैं, एक ऑडियंस बिल्ड करना चाहते हैं, अपना ब्रांड बिल्ड करना चाहते हैं, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, मैंने आपको एक कोर्स दिया वहाँ पे, दैट इज़ वेरी चीप कोर्स. एंड वो कोर्स जो है मेरे एक बिजनेस पार्टनर है, उनसे टाई अप करके बनाया. इट्स हार्डली $7 कोर्स एंड यू कैन लर्न अ लॉट, यू कैन गेन वैल्यू एज वेल. एंड वो स्ट्रेटेजी आपको शेयर करेंगे, वो आपको बताएंगे कैसे आप ग्रो कर सकते हैं अपने अकाउंट को, हाउ यू कैन बिल्ड ब्रांड, हाउ यू कैन बिकम कंसिस्टेंट एंड अर्न पैसिव मनी, और यू कैन सेल एनीथिंग. बाकी आपको उसमें आपको ये भी चीज़ मिलेंगी कि कैसे आप अपने लॉन्ग टर्म तक आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को मोनेटाइज कर सकते हो. यूट्यूब में क्या होता है कि आपको 1000 सब्सक्राइबर होना बहुत ज़रूरी है और 4000 वॉच टाइम होना चाहिए, 4000 आवर्स का, लेकिन वो भी 12 महीने के अंदर अंदर. लेकिन इंस्टाग्राम में आप अच्छे, अगर आपके पास अच्छे और जेन्युइन 500 फॉलोअर्स भी हैं, यू कैन मेक सीरियस मनी.
यू कैन डू सीरियस बिजनेस, यू कैन मेक सीरियस मनी थ्रू इंस्टाग्राम. सो दैट्स वाई इंस्टाग्राम इज अ गोल्ड माइन. इंस्टाग्राम इज अ स्टिल इज द हॉटेस्ट प्लेटफॉर्म. ओके, सो बिल्कुल आप एक बार देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में जाके. एंड या थैंक यू वेरी मच. मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि मैं आपकी हेल्प कर सकूँ, आगे आपको नॉलेज शेयर कर सकूँ और कैसे आप आगे बढ़ सकते हैं. और यस, एक चीज़ का जरूर ध्यान रखिएगा, शॉर्ट आउट प्लीज़ परचेज मत करिएगा जब तक आपके कंटेंट में दम हो. दम होना बहुत ज़रूरी है. ओके, सो कल संडे था, मैंने कोचिंग क्लासेस दी थी थ्रू माई यूट्यूब चैनल, लाइव यूट्यूब चैनल. अगर आप भी कुछ सीखना चाहते हैं मेरे साथ आगे बढ़ना, MLM बैकग्राउंड से, कौन सी भी MLM कंपनी से है, अफेयर मार्केटिंग से, यू कैन लर्न विद अस एंड यू कैन फॉर दिस यू कैन DM. थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद.